हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑक्लूजन इन कंप्लीट डेंचर्स। कैसा टीथ सेटिंग के टाइम पे कैसा ऑक्लूजन आप देंगे। देखिए, ऑक्लूजन वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट पे। कोई भी पेशेंट आता है, आप उसको सेम टाइप की ऑक्लूजन नहीं दे सकते। जैसे कि हर पेशेंट पे आप सेम टाइप का इंप्रेशन नहीं ले सकते हैं, वैसे ही हर पेशेंट पे आप सेम टाइप की ऑक्लूजन नहीं दे सकते हैं। तो क्लास वन मोलर रिलेशन जो है उसमें मीजियो बक्कल कस्प जो है मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर का, वो ऑक्लूड करता है बक्कल ग्रूव के साथ मैंडिबल में। ये है क्लास वन रिलेशन की बात। आप जब टीथ सेटिंग करते हैं तो मोस्टली आप क्लास वन मोलर रिलेशन ही रखते हैं। तो कैसे आप मैक्सिमम कॉन्टैक्ट कर रहे हैं दांतों का मैक्सिलरी और मैंडिबुलर, वो है हमारा ऑक्लूजन। कैसे आप ऑक्लूड करा रहे हैं, कैसे ऊपर के दांत नीचे के दांतों से मिल रहे हैं, वो हम पढ़ेंगे आज के चैप्टर में ऑक्लूजन इन कंप्लीट डेंचर। एमआईपी मैक्सिमम इंटरकस्पेशन हम सीडी की केसेस में इक्वल रखते हैं सेंट्रिक रिलेशन के। सेंट्रिक रिलेशन आप सब जानते हैं, मैक्सिलोमैंडिबुलर रिलेशनशिप है इन विच कॉन्डाइल आर्टिकुलेट विद द थिनेस्ट एवस्कुलर पोर्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव डिस्क विद द कॉम्प्लेक्स इन द एंटीरियर सुपीरियर पोजिशन अगेंस्ट द स्लोप ऑफ आर्टिकुलर एमिनेंस। तो ये अगर कॉन्डाइल है, ये देखिए, ये अगर आपका कॉन्डाइल है, ये ऊपर ग्लिनोइड फोसा के अंदर, जब कॉन्डाइल सबसे फिजियोलॉजिकल रेस्ट पोजिशन में, सबसे ज्यादा रेस्ट पोजिशन में कैसे बैठा हुआ है, वो आपका है सेंट्रिक रिलेशन। सेंट्रिक रिलेशन टूथ टू टूथ कॉन्टैक्ट नहीं है, ये बोन टू बोन कॉन्टैक्ट है। इसमें क्या है, आपका ग्लिनोइड फोसा के अंदर कैसे आपका कॉन्डाइल सबसे पीछे, जब ये डेफिनेशन क्या, एंटीरियर सुपीरियर पोजिशन अगेंस्ट द स्लोप ऑफ द आर्टिकुलर एमिनेंस, मोस्ट रिट्रूडेड पोजिशन है, ये सबसे पीछे की पोजिशन है। कॉन्डाइल आगे कब जाएगा, जब आप प्रोट्रूड कराएंगे, यानी जॉ को जब आगे खींच के लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये कॉन्डाइल क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा। ये हम लोग कॉन्डाइलर गाइडेंस में दोबारा पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं ऑक्लूजन पे। तीन तरीके की ऑक्लूजन होती है। एक होती है बैलेंस्ड ऑक्लूजन। बैलेंस्ड ऑक्लूजन का मतलब क्या है, बैलेंस्ड ऑक्लूजन का मतलब है ऑक्लूजन जो बैलेंस्ड है, यानी कि सेंट्रिक रिलेशन जब कॉन्डाइल सबसे एंटीरियर सुपीरियर पोजिशन में आर्टिकुलर एमिनेंस के बैठा हुआ है, जो सबसे रिट्रूडेड पोजिशन है उसमें तो है ही, यानी जब पेशेंट रेस्ट पे रहता है, जब कोई भी इंडिविजुअल रेस्ट पे रहता है, आप खुद भी जब रेस्ट पे रहते हैं तो आप ध्यान देंगे तो आपका क्या फ्रीवे स्पेस है मुंह के अंदर प्रेजेंट। जब आप रेस्ट पे रहते हैं तो आपके दांत से दांत क्लेंच नहीं होते हैं, बीच में थोड़ा सा एक स्पेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रीवे स्पेस, यानी फ्री है वो, एक रास्ता है जहां पे फ्री स्पेस प्रेजेंट है, वो फ्रीवे स्पेस है, वो होती है अपनी 0 to 2 millimeter फ्रीवे स्पेस। तो फ्री बैलेंस्ड ऑक्लूजन में क्या करते हैं, एक तो सेंट्रिक रिलेशन में भी आपका ऑक्लूजन बैलेंस रहेगा और एक आपका ई सेंट्रिक पोजिशन में भी बैलेंस रहेगा। ई सेंट्रिक पोजिशन का मतलब है जब आप साइड टू साइड मूवमेंट कर रहे हैं, जैसे कि आप अपने जॉ को राइट साइड लेके जा रहे हैं, लेफ्ट साइड लेके जा रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि ये मूवमेंट तो आप करते नहीं है, ये मूवमेंट आप बिल्कुल करते हैं, मैस्टिकेशन के टाइम पे करते हैं। तो बैलेंस्ड ऑक्लूजन एक फर्स्ट टाइप ऑफ ऑक्लूजन। तीन स्कूल ऑफ प्रिंसिपल्स हम लोग, थ्री थॉट्स ऑफ प्रिंसिपल्स, थ्री स्कूल ऑफ फिलोसफीज पढ़ेंगे। फर्स्ट वन है बैलेंस्ड ऑक्लूजन, जिसमें आपकी ऑक्लूजन जो है वो हर तरीके से बैलेंस है, यानी चाहे जॉ को आप आगे लेके जाइए, पीछे लेके जाइए, राइट लेके जाइए, लेफ्ट लेके जाइए, हर तरीके में आपका मैंडिबल बैलेंस रहेगा। सेकेंड टाइप की ऑक्लूजन है मोनोप्लेन ऑक्लूजन। मोनोप्लेन ऑक्लूजन के अंदर आपको सिर्फ एक ही प्लेन में ऑक्लूजन दी गई है, इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। थर्ड है लिंगुअलाइज्ड ऑक्लूजन। लिंगुअलाइज्ड ऑक्लूजन में आपकी ऑक्लूजन जो है वो लिंगुअलाइज कर दी है, यानी लिंगुअल कस्प जो है मैक्सिला के, वो टच करेंगे मैंडिबल के सेंट्रल ग्रूव में, इसके बारे में भी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो बैलेंस्ड ऑक्लूजन से स्टार्ट करते हैं। बैलेंस्ड ऑक्लूजन साइमल्टेनियस एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों के दोनों कॉन्टैक्ट करेंगे। ऑक्लूजल कॉन्टैक्ट होगा सेंट्रिक पे भी, बैलेंस्ड में क्या होगा, सेंट्रिक में भी कॉन्टैक्ट होगा और ई सेंट्रिक में भी कॉन्टैक्ट होगा।
ईसेंट्रिक में भी कॉन्टैक्ट होगा. तो सेंट्रिक रिलेशन में भी आपके दांत कॉन्टैक्ट कर रहे हैं और ईसेंट्रिक में भी कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, आगे से भी कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, पीछे से भी कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, एक साथ हर जगह से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं. ये जेपीटी 8 की डेफिनेशन है. इट इज अ बायोलैटरल साइमल्टेनियस एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ऑक्लूजन कॉन्टैक्ट ऑफ द टीथ इन द सेंट्रिक एज वेल एज इन द ईसेंट्रिक पोजिशन. जब हम लोग ऐसा रेस्ट के बाद आप एकदम क्लंच करते हैं, यानी जब आपका मैंडिबल जो है मोस्ट रिट्रूडेड पोजिशन में, सबसे पीछे के मैंडिबल है, यानी कि जैसे आप जब मुंह बंद करते हैं अपने जॉ को, जबड़े को सबसे पीछे लेके जाइए और एकदम क्लंच कीजिए, ये आपका क्या है, सेंट्रिक रिलेशन है. ठीक है, सेंट्रिक रिलेशन में सेंट्रिक ऑक्लूजन आया, यानी दांत कॉन्टैक्ट कर रहे हैं जब आपका मैंडिबल कॉन्डाइल जो है वो सेंट्रिक रिलेशन में है और बिल्कुल टूथ से टूथ की टाइट कॉन्टैक्ट है, वो आपका क्या है, सेंट्रिक ऑक्लूजन है. तो सेंट्रिक ऑक्लूजन के अंदर भी आपका क्या है, कॉन्टैक्ट है, वो तो होते ही है. और उसके बाद ई सेंट्रिक में भी जब आप जॉ को आगे पीछे लेके जा रहे हैं तो भी कॉन्टैक्ट है. अगर आप अपने मुंह में करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे नेचुरल दांत में क्रिस्टेंसन फिनोमेना होता है. ये जब आप अपने मैंडिबल को आगे लेके जाएंगे और इंसाइजर्स से कॉन्टैक्ट कराएंगे तो पीछे अपनी जीभ से फेर के देखिए, पीछे क्या है, एक वेज शेप का आपके दांत में क्या है, स्पेस बन जाता है. ये देखिए, ये वेज शेप का एक स्पेस बन गया है. ये नेचुरल दांत में प्रेजेंट होता है. अगर आप कंप्लीट डेंचर के अंदर ये करेंगे तो क्या होगा, तो जैसे ही अगर आपने इस टाइप की ऑक्लूजन दे दी है, यानी कि अगर आपने प्रोट्रूजन करवाया और पेशेंट के पीछे पोस्टीरियर्स में क्या है, डिसऑक्लूजन आ गई है, तो उस केस में क्या होगा, आपका मैक्सिला डेंचर नीचे आ जाएगा, मैंडिबल डेंचर ऊपर उड़ जाएगा, तो टिपिंग हो जाएगी डेंचर की, टॉर्क हो जाएगा डेंचर, डेंचर स्टेबल नहीं रहेगा. तो हम लोग कंप्लीट डेंचर के पेशेंट में केसेस में क्या करते हैं कि हम हर तरीके से, अगर पेशेंट आगे से भी कॉन्टैक्ट करा रहा है तो पीछे से भी हम लोग टच कराते हैं, अगर पेशेंट साइड टू साइड लेके जा रहा है तो भी टच कराते हैं. बेसिकली हमने तीन पॉइंट कॉन्टैक्ट कराने हैं. तीन पॉइंट कॉन्टैक्ट का मतलब है कोई भी मूवमेंट करेगा तो डेंचर क्या होगा, लिफ्ट नहीं होगा, मैंडिबुलर डेंचर जो होगा वो स्टेबल रहेगा, अपनी पोजीशन में रहेगा. तो जैसे ही अगर पेशेंट एक साइड से खाना खाएगा तो दूसरी साइड का डेंचर नहीं उठेगा, हमने उधर भी एक स्टॉप लगा दिया है, दूसरी साइड पे भी एक स्टॉप है, तो उससे क्या होगा, लिफ्टिंग नहीं होगी डेंचर की. अगर अब आप बोलेंगे देखो मैस्टिकेशन करते हैं तो क्या होता है, 10 मिनट करीब करीब, ऑलमोस्ट 10 मिनट्स एक दिन में हम सिर्फ च्यूइंग मूवमेंट करते हैं, उसके अलावा बाकी की जो ईसेंट्रिक मूवमेंट है वो रेस्ट ऑफ द डे चलती है. जैसे कि सलाइवा को स्वॉलो करना हो गया है, जैसे कि ब्रक्सिज्म हो गया है, तो ये सारे ईसेंट्रिक मूवमेंट जो है, जो साइड टू साइड मूवमेंट है थूक गिटकने में भी, इन सब केसेस में हमारा डेंचर जो है लिफ्ट नहीं होना चाहिए, डेंचर में बैलेंस प्रेजेंट होना चाहिए. डेंचर बेस की टिपिंग नहीं होनी चाहिए, टॉर्किंग नहीं होनी चाहिए. ईसेंट्रिक मूवमेंट में अगर टिपिंग टॉर्किंग हो रही है बार बार, देखिए अगर स्वालो कर रहा है पेशेंट और लोअर डेंचर उठ रहा है फिर वापस बैठ रहा है, उठ रहा है वापस बैठ रहा है, तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर एरिया में जहां पे बार बार डेंचर हिट कर रहा है सोरनेस हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और बोन रिजॉर्प्शन ज्यादा होगी. तो हम उस केस को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, थ्री पॉइंट कॉन्टैक्ट दे रहे हैं. पेशेंट कैसा भी जॉ को लेके जाए, कहीं ना कहीं पीछे दो स्टॉप है, आगे एक स्टॉप है, दांत से दांत भिड़ेंगे भिड़ेंगे और वहीं पर आपका डेंचर रुक जाएगा, डेंचर लिफ्ट नहीं होगा, टिप नहीं होगा, टॉर्क नहीं होगा. इसीलिए हमारा कॉन्सेप्ट आया बैलेंस्ड ऑक्लूजन का कॉन्सेप्ट. बैलेंस्ड ऑक्लूजन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है डेंचर को और रिटेंशन प्रोवाइड करता है मैस्टिकेशन के टाइम पे. तो अगर फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं बैलेंस्ड ऑक्लूजन को, बैलेंस्ड ऑक्लूजन देना थोड़ा सा स्किल्ड है, इसलिए हम लोग फैक्टर्स पढ़ रहे हैं. कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो आपने पढ़ा होगा आपके एग्जाम में आता है हनाउस्क्विंट, एक क्वेश्चन आता है, तो हनाउस्क्विंट जो है या फिर इसके अंडर फैक्टर अफेक्टिंग बैलेंस्ड ऑक्लूजन, इसमें क्या है आपका एक थिल्समैन फॉर्मूला है, थिलमैन्स फॉर्मूला. ये फॉर्मूला जो है वो सारे के सारे पांच फैक्टर हैं जो आपके बैलेंस्ड ऑक्लूजन को अफेक्ट करते हैं. पांचों आपको पता है, कॉन्डाइलर गाइडेंस, इंसाइजल गाइडेंस, ऑक्लूजल प्लेन, कस्पल इंक्लिनेशन एंड कंपनसेटिंग कर्व्स. तो सबसे पहले बैलेंस्ड ऑक्लूजन को अचीव करने के लिए हम थिलमैन्स फॉर्मूला की बात कर रहे हैं. यहां पे थिलमैन फॉर्मूला में बैलेंस्ड ऑक्लूजन इज इक्वल टू कॉन्डाइलर गाइडेंस इनटू इंसाइजल गाइडेंस डिवाइडेड बाय, ये ऊपर के जो दो कंपोनेंट है वो ऊपर के हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नीचे वाले इन्वर्सली है. ऑक्लूजल प्लेन इनटू कस्पल इंक्लिनेशन
इनटू कंपनसेटिंग कर्व्स। ये है आपका थिलमैन्स फॉर्मूला। ये क्या बोलता है, बैलेंस्ड ऑक्लूजन अचीव करने के लिए आपको ये पांच फैक्टर जो है रिक्वायर्ड है, ये पांच फैक्टर को मॉडिफाई करने से आपको बैलेंस्ड ऑक्लूजन अचीव होगी। कॉन्डाइलर गाइडेंस जो है, कॉन्डाइलर गाइडेंस का मतलब है अगर आपका ये कॉन्डाइल है और ऊपर ग्लिनोइड फोसा है, ग्लिनोइड फोसा में आर्टिकुलर एमिनेंस है, वहां पे आपका कॉन्डाइल मोस्ट प्रोट्रूडेड पोजीशन में सेंट्रिक रिलेशन पे बैठा हुआ है। अब पेशेंट को प्रोट्रूड कराएंगे यानी कॉन्डाइल आगे खिसक रहा है। देखिए कॉन्डाइल आगे खिसकेगा तो ये इस मूवमेंट में खिसकेगा, यहां पे आएगा, तो ये जो एंगल है आपका, ये एंगल जो है कॉन्डाइलर गाइडेंस है। कैसे कॉन्डाइल गाइड कर रहा है प्रोट्रूजन पे, यानी अगर जो आगे निकला जा रहा है तो क्या इंक्लिनेशन है ग्लिनोइड फोसा की आर्टिकुलर एमिनेंस में के एंगल के साथ, तो ये है आपका कॉन्डाइलर गाइडेंस। अब कॉन्डाइलर गाइडेंस आप चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि कॉन्डाइलर गाइडेंस तो स्कल के अंदर एकदम फिक्स है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, ये रिकॉर्ड कैसे, प्रोट्रूसिव रिकॉर्ड देता है, प्रोट्रूसिव के टाइम पे हमें ये एंगल मिलेगा, ये एंगल हम ट्रांसफर करते हैं सेमी एडजस्टेबल आर्टिकुलेटर में, हनाउ आर्टिकुलेटर में, और इसी एंगल के हिसाब से हम सारी मूवमेंट करवाएंगे। अब जब आपको पता चल गया है कि इतने एंगल में जब आपका मैंडिबल जो है पेशेंट का प्रोट्रूड करा रहे हैं तो उसी एंगल में जो है आगे जा रहा है, यही एंगल आप रिकॉर्ड करेंगे, इसी एंगल में सारी मूवमेंट्स करवाएंगे आप, तो ये एंगल अगर शैलो होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आपको लॉन्ग कस्प नहीं देने की जरूरत है, तो लेस पोस्टीरियर टीथ में सेपरेशन रखने की जरूरत है, शॉर्ट कस्प भी दे सकते हैं आप और या फिर फ्लैट फोसा के साथ दे सकते हैं। अगर ये एंगल आपका स्टीप है यानी कि जो कॉन्डाइल का ये इंक्लिनेशन ऐसे था वो अब क्या है, बहुत स्टीप जा रहा है, ये आपका ग्लिनोइड फोसा है। स्टीप जैसे कि वैष्णो देवी की चढ़ाई होती है, पहले शुरू शुरू की चढ़ाई क्या है, थोड़ी सी नॉर्मल है और फिर उसके बाद एकदम से खड़ी चढ़ाई है, तो खड़ा एकदम एंगल जो होगा, जो एक्यूट एंगल होगा एकदम, वो एंगल क्या है, स्टीप है। अब इस केस में क्या होगा, एकदम नीचे जाएगा तो बहुत ज्यादा स्टीपनेस जाएगी, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, लॉन्ग कस्प रखेंगे क्योंकि जब आप बैलेंसिंग करेंगे तो उस केस में क्या होगा, फिर आपको कस्प से कस्प में बैलेंस अचीव करने के लिए लॉन्ग कस्प और डीप फोसा चाहिए उस केस में आपको। तो ये होगी कॉन्डाइलर गाइडेंस की बात। अब हम लोग बात करते हैं इंसाइजल गाइडेंस की। इंसाइजल गाइडेंस क्या है, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर दांत मैंडिबल की मूवमेंट पे कैसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, वो आपका है इंसाइजल गाइडेंस। जैसे कि ये आपके मैक्सिलरी इंसाइजर हैं, ये आपके मैंडिबुलर इंसाइजर हैं, ये दोनों एक्सिस पे जो एंगल बना रहे हैं वो है इंसाइजल गाइड एंगल। ये है आपका इंसाइजल गाइड एंगल। मैक्सिमम इंटरकस्पेशन पे बात हो रही है, ये यानी जब मैक्सिमम टूथ टू टूथ कॉन्टैक्ट है तब की बात है। ये एंगल आपको है कम रखना है क्योंकि ताकि टिपिंग फोर्सेस से बचे और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस से बचे। ये एंगल ज्यादा रखेंगे तो क्या होगा, ये एंगल अगर एकदम स्टीप रख देंगे तो फिर आपको क्रिस्टेंसन फिनोम हो जाएगा, पीछे से क्या होगा, आपके डेंचर उठने लग जाएंगे जैसे ही पेशेंट प्रोट्रूड करेगा। तो कभी भी कॉन्डाइलर गाइडेंस से ज्यादा इंसाइजल गाइडेंस नहीं रखना है, कोशिश करनी है कि ये फ्लैट रखो, जीरो के करीब करीब पास रखो। अगर स्टीप वर्टिकल ओवरलैप है जैसे कि आपका डीप बाइट के केस में होता है, ये डीप बाइट है, इसमें क्या है, स्टीप वर्टिकल ओवरलैप है, या फिर बोल दीजिए कि आपका स्टीप इंसाइजल गाइडेंस है। इस केस में जब जहां पे आपका बहुत स्टीप है, इस केस में जब आप प्रोट्रूड करवाएंगे पेशेंट को तो ये आगे जाएगा, बहुत ज्यादा आगे जाएगा। इसको कंपनसेट करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, या तो आप स्टीप कस्प दे दीजिए, शार्प कस्प दे दीजिए, या स्टीप ऑक्लूजल प्लेन एकदम हाई रख दीजिए। देखिए ऑक्लूजल प्लेन की आप बात करेंगे तो आगे हम लोग पढ़ेंगे ऑक्लूजल प्लेन, या फिर आप ऑक्लूजल प्लेन हाई रख दीजिए, स्टीप रख दीजिए, या कंपनसेटिंग कर्व को स्टीप रख दीजिए अगर आपको बैलेंसिंग करना है तो। अगर एस्थेटिक ऐसा है कि आप ये सब चीज नहीं कर सकते हो तो फिर आप वर्टिकल ओवरलैप बढ़ा दीजिए। यानी अगर आपके पास, अगर ये केस सिनेरियो था, इसको आपने क्या किया है, इसको आपने ओवरजेट दे दिया, तो इससे क्या हो गया, इसकी स्टीपनेस कम हो गई है। देखिए उतना ही है, बाइट उतनी है, ये देखिए बाइट उतनी है, लेकिन आपने क्या किया है, हॉरिजॉन्टल बढ़ा दिया है, तो इससे क्या होगी, इसकी स्टीपनेस कम हो गई है। तो दूसरा आप ये भी तरीका कर सकते हैं,
तीसरी हम बात करते हैं ऑक्लूजल प्लेन की. ऑक्लूजल प्लेन कंप्लीट डेंचर में डेंचर बेस के फाउंडेशन के पैरेलल रखते हैं, यानी डेंचर बेस के पैरेलल रहता है. लोअर कैनाइन जो होता है कॉन्साइड करता है कमिजर्स के साथ. और पोस्टीरियरली मैंडिबुलर ऑक्लूजल प्लेन की बात करते हैं तो हाइट ऑफ द रेट्रोमुलर पैड तक पोस्टीरियरली जाते हैं आपके सारे दांत, जहां तक आपका रेट्रोमुलर पैड है उसके ऊपर नहीं उठना चाहिए. जब आप ऑक्लूजल प्लेन की बात करते हैं कंपनसेटिंग कर्व की बात करेंगे तो आपका ये जो है कैनाइन है और ये जो होता है मोलर होता है. आप कभी ध्यान देंगे क्योंकि मैक्सिलरी में आपने ग्लास प्लेट रिलेशन से पीछे पोस्टीरियर दांत मोलर्स ऊपर उठाए हैं तो मैंडिबल में भी क्या होगा, अगर वो ग्लास प्लेट के ऊपर है तो कांटेक्ट कराने के लिए वो थोड़े ग्लास प्लेट से बाहर निकलेंगे तो मैंडिबुलर पोस्टीरियर दांत बहुत थोड़े से ऊपर रहते हैं. अगर ये आपका एक प्लेन है तो मैंडिबुलर मोलर्स थोड़े से ऊपर उठे हुए रहते हैं, है ना. अब ज्यादा अगर आप रेट्रोमोलर पैड से ज्यादा ऊपर उठा देंगे तो आपका स्टीप कंपनसेटिंग कर्व हो जाएगा. ऑक्लूजल प्लेन आपको स्टीप उसी केस में रखना है जब ऑलरेडी आपका कॉन्डाइलर गाइडेंस स्टीप है, यानी जब पेशेंट प्रोट्रूड करा रहा है तो बहुत स्टीप एंगल में जो है आगे जा रहा है मैंडिबल, उसी केस में सिर्फ आप स्टीप रख सकते हैं कंपनसेटिंग कर्व. पीछे जो जा रहा है कर्व ऑफ स्पी आगे पड़ेंगे तो बाकी आप क्या है ऑक्लूजल प्लेन अपने रेट्रोमोलर पैड की हाइट तक में ही रखते हैं और पैरेलल रहता है एलाट्रेगस लाइन के. जब हम लोग जॉ रिलेशन करते हैं तो उसमें कैंपस प्लेन ड्रॉ करते हैं, एलाट्रेगस लाइन ड्रॉ करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम मैक्सिलरी रिम एडजस्ट करते हैं तो मैक्सिलरी रिम हमेशा पैरेलल जाती है तो मैंडिबल का भी ऑक्लूजल प्लेन कैंपस प्लेन के पैरेलल जाता है. फोर्थ फैक्टर है कंपनसेटिंग कर्व्स. कंपनसेटिंग कर्व में दो कर्व है. कंपनसेटिंग कर्व में एक होता है एंटीरियो पोस्टीरियर कर्व, यानी जो आगे से पीछे की तरफ जा रहा है, इनसाइजर से मोलर की तरफ जा रहा है. दूसरा होता है लैटरल कर्व, जो बक्कल से लिंगुअल सरफेस की तरफ जा रहा है. एंटीरियो पोस्टीरियर कर्व में आप पढ़ेंगे कर्व ऑफ स्पी. और लैटरल में पढ़ेंगे आप चार कर्व. एक है कर्व ऑफ विल्सन, नेक्स्ट है एंटी मॉनसून कर्व, जैसे आजकल बहुत अजीब सा मौसम हो रहा है, एंड थर्ड है मॉनसून कर्व और फोर्थ है प्लेजर कर्व. एकदम भी प्लेजर नहीं है प्लेजर कर्व. तो ये चार आप पढ़ेंगे लैटरल में, कर्व ऑफ विल्सन, एंटी मॉनसून, मॉनसून एंड प्लेजर कर्व. और एंटीरियो पोस्टीरियर कर्व जो है एंटीरियो पोस्टीरियर होगा जब प्रोट्रूजन आएगा, यानी जब मैंडिबल आगे जा रहा है तो कौन सा कर्व है जो इससे अफेक्टेड है एसोसिएटेड है, वो है कर्व ऑफ स्पी. और लैटरली जब यानी साइड मूवमेंट करवाएगा पेशेंट राइट और लेफ्ट में जॉ को लेके जाएंगे तो ये चार कर्व होंगे कर्व ऑफ विल्सन मॉनसून. इन सारे कर्व के अकॉर्डिंग आप टीथ सेटिंग करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं कर्व ऑफ स्पी से. मैं ये रब कर रही हूं. सबसे पहला कर्व है कर्व ऑफ स्पी आपका. कर्व ऑफ स्पी जो है ये आपका कॉन्डाइल है. ये आपके मोलर्स हैं. कर्व ऑफ स्पी सारे के सारे कस्प मैंडिबुलर कैनाइन से स्टार्ट होता है. मैंडिबुलर कैनाइन से स्टार्ट हो गए सारे के सारे कस्प टिप को टच करता हुआ, बक्कल कस्प टिप को टच करता हुआ, प्रीमोलस मोलस के एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रेमस से जाता हुआ एंटीरियर पोर्शन मोस्ट पोर्शन ऑफ द कॉन्डाइल को जाएगा. ये आपका है कर्व ऑफ स्पी. ठीक है, किस कहां से कैनाइन की कस्प टिप से टच करता हुआ, बक्कल टिप ऑफ प्रीमोलस और मोलस, फिर उसके बाद एंटीरियर मोस्ट पोर्शन ऑफ द कॉन्डाइल को जाएगा. ये आपका कर्व ऑफ स्पी है. फर्डिनांड ग्राफ स्पी ने दिया था ये कर्व. ये जितना आप शैलो रखेंगे उतना अच्छा है आपके लिए, जितना स्टीप रखेंगे उतनी बैलेंसिंग लाना मुश्किल है. तो कर्व ऑफ स्पी जब हम लोग लगाते हैं मैंडिबुलर मोलर्स अरेंज करते हो आप तो हल्का सा क्या होता है मैंडिबुलर मोलर्स जो होंगे वो हल्का सा ग्लास प्लेट के ऐसा ऊपर जाते हैं. आप ध्यान देंगे
क्योंकि ऐसे ही आपने मैक्सिलरी मोलर्स ऊपर उठाए हैं ग्लास प्लेट से, ऑक्लूड कराने के लिए आप उनको बंद कराने के लिए इसको थोड़ा ऊपर उठाएंगे, तो ये आपका क्या है, कर्व ऑफ स्पीज आता है। अब मैक्सिलरी मोलर्स को आप ग्लास प्लेट से बहुत, टीथ सेटिंग में मैक्सिलरी मोलर्स को बहुत ज्यादा ग्लास प्लेट से ऊपर नहीं उठाना, नहीं तो क्या होगा, स्टीप आ जाएगा आपका कर्व ऑफ स्पीज। तो थोड़ा सा ऊपर उठाना है आपने ग्लास प्लेट से, तो उसमें भी मैंडिबुलर मोलर्स भी हल्के से ऊपर उठेंगे। कर्व ऑफ नेक्स्ट है, ये हो गया आपका एंटीरियर पोस्टीरियर कर्व, जो कि है कर्व ऑफ स्पी। नेक्स्ट कर्व आपका आता है कर्व ऑफ विल्सन। कर्व ऑफ विल्सन ये मोलर्स अरेंज करने के काम आता है। ये लैटरल कर्व है, आपको पता ही है। इसमें क्या है, लिंगुअली इंक्लाइंड है मोलर्स आपके, यानी फेशियली ऊपर उठे हुए हैं, लिंगुअली अंदर गए हुए हैं। ये कर्व कॉन्वेक्स है डाउनवर्ड्स, सारे मोलर्स के कस्प टिप को टच करता हुआ जाएगा, कॉन्वेक्स है डाउनवर्ड। हैवी ऑक्लूजल कॉन्टैक्ट बक्कल पे लगते हैं, क्योंकि बक्कल जो है ऊपर उठा हुआ है। ये आपका कर्व ऑफ विल्सन, जो कि फर्स्ट मोलर में आता है, यहां पे लिख देते हैं फर्स्ट मोलर में, ठीक है। नेक्स्ट कर्व आता है आपका रिवर्स या एंटी मॉनसून कर्व। एंटी मॉनसून कर्व या फिर रिवर्स कर्व भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये इसका रिवर्स हो चुका है। ये आपके फर्स्ट प्री मोलर अरेंज करने के टाइम पे, इसमें क्या होगा, इसमें आपका फर्स्ट ये कॉन्वेक्स होगा अपवर्ड्स, यानी कि पैलेटल ऊपर उठा हुआ होगा और बक्कल नीचे होगा। तो ये आपका है एंटी मॉनसून कर्व, जो कि कॉन्वेक्स है अपवर्ड्स, ये फर्स्ट प्री मोलर अरेंज करने के काम आता है। फर्स्ट प्री मोलर इस अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। मॉनसून कर्व जो है वो क्या है, ये तो हो गया एंटी मॉनसून। मॉनसून कर्व में सारे के सारे टिप और इंसाइजल एजेस मैंडिबुलर दांत के टच करते हुए एक स्फीयर बनाएंगे 8 इंच का, 8 इंच का एक स्फीयर बनाएंगे डायमीटर का, 8 इंच का स्फीयर होगा डायमीटर, जिसका सेंटर कहां पे होगा, ग्लैबुला में होगा, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन है कर्व ऑफ स्पी और मॉनसून कर्व का। नेक्स्ट आपका लास्ट कर्व आता है प्लेजर कर्व। प्लेजर कर्व उस केस में यूज करते हैं जिसमें दांत पूरे के पूरे घिसे हुए हैं, एट्रीटेड हैं, एक्सेसिव वियर हो चुका है दांतों का। तो उसमें आप क्या करते हो, फर्स्ट प्रीमोलर्स और फर्स्ट मोलर में आप लोग रिवर्स कर्व देते हो। अब रिवर्स कर्व दोगे अगर आप फर्स्ट प्रीमोलर और फर्स्ट मोलर और प्रीमोलर्स में आप रिवर्स कर्व यानी एंटी मॉनसून कर्व दोगे, तो बक्कल टिपिंग से बच जाएंगे दांत, तो ये प्रिवेंट करता है बक्कल टिपिंग से। और सेकेंड मोलर में आप क्या करते हैं, सेकेंड मोलर में मॉनसून कर्व के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। ये हो गया प्लेजर कर्व, जिसमें प्री मोलर फर्स्ट मोलर रिवर्स कर्व के अकॉर्डिंग और सेकेंड मोलर मॉनसून कर्व के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया आपके चारों के चारे लैटरल कर्व्स, लैटरल कंपनसेटिंग कर्व्स, कर्व ऑफ विल्सन, एंटी मॉनसून कर्व, मॉनसून कर्व एंड प्लेजर कर्व। इसके अकॉर्डिंग आप दांत अरेंज करते हो, टीथ सेटिंग करते हो। फिफ्थ फैक्टर आता है आपका, अगर आपको थिल्समैन फॉर्मूला याद हो, थिल्समैन फॉर्मूले में क्या था, बैलेंस्ड ऑक्लूजन इज इक्वल टू कॉन्डाइलर गाइडेंस इंटू इंसाइजल गाइडेंस डिवाइडेड बाय ऑक्लूजल प्लेन इंटू कस्पल इंक्लिनेशन इंटू कंपनसेटिंग कर्व्स, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में कस्पल इंक्लिनेशन जो है उसको हम रिड्यूस करते हैं, यानी कस्प में कितना इंक्लिनेशन है, कितने कस्प इंक्लाइंड है, ये क्या होगा, ये कस्पल इंक्लिनेशन हो गया। ये एंगल को हमने डिक्रीज करना है ताकि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, ताकि साइड बाय साइड जब लैटरल मूवमेंट हो, लैटरल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस से टिपिंग ना हो, दांत इधर उधर नहीं हिले, बैलेंसिंग इजी हो हमारे लिए करना, ठीक है। इसके साथ आपका खत्म होता है बैलेंस्ड ऑक्लूजन, जो सिर्फ आप कंप्लीट डेंचर में देते हैं। नेचुरल दांत में बैलेंस्ड ऑक्लूजन प्रेजेंट नहीं होता है, नेचुरल दांत में नॉन वर्किंग साइड पे कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता, नहीं तो सारे के सारे दांत घिस जाएंगे, सारे मुंह में एट्रिजन हो जाएगा बहुत जल्दी।
तो बैलेंस्ड ऑक्लूजन हम लोग सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट डेंचर्स में देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मोनोप्लेन ऑक्लूजन की। मोनोप्लेन ऑक्लूजन में ऑक्लूजल सर्फेसिस पोस्टीरियर दांत के उसमें कोई कस्प नहीं है, उसमें कस्पल हाइट नहीं होती है, यानी कि हम लोग नॉन एनाटॉमिक दांत दे रहे हैं। एनाटॉमिक दांत क्या है? जिनमें कस्पल इंक्लिनेशन है। बैलेंस्ड ऑक्लूजन में हम 33 डिग्री कस्प के दांत देते हैं, मोनोप्लेन ऑक्लूजन में हम लोग 0 डिग्री कस्प के दांत देते हैं। 0 डिग्री होगा, ठीक है। लिंगुलाइज्ड ऑक्लूजन हम लोग पढ़ेंगे आगे। मोनोप्लेन ऑक्लूजन में आप दोनों के दोनों मैक्सिलरी मैंडिबुलर में एकदम घिसे हुए दांत देते हैं, उसमें क्या है, कोई कस्प नहीं होगा, सिर्फ सेंट्रल फोसा होता है प्रेजेंट। ऐसा मोलर्स होंगे, जो मैंडिबुलर मोलर्स जो पहले ऐसे हुआ करते थे 33 डिग्री कस्पल एंगुलेशन के, ये है एनाटॉमिक। ये है नॉन एनाटॉमिक जो आपके मोनोप्लेन ऑक्लूजन में। अब मोनोप्लेन ऑक्लूजन में आप टीथ सिटिंग कैसे करते हैं? मोनोप्लेन ऑक्लूजन में ओवरजेट, आप बैलेंस्ड ऑक्लूजन की बात करोगे तो ओवरजेट आप रख रहे थे 2 मिलीमीटर की, यानी अगर आपके ये दांत हैं तो ओवरजेट जो थी आप रख रहे थे 2 मिलीमीटर की, और ओवर बाइट ये है 2 मिलीमीटर, और ओवर बाइट आप रख रहे थे ये ओवर बाइट 0.5 मिलीमीटर की। ये था बैलेंस्ड ऑक्लूजन में। और मोनोप्लेन की बात अगर आप करेंगे तो इसमें आप ओवर जेट रख रहे हैं 2 मिलीमीटर की, अगेन ये मोनोप्लेन है आपका, इसमें आप ओवर जेट रख रहे हैं अगेन हॉरिजॉन्टल ओवरलैप 2 मिलीमीटर का, और ओवर बाइट देखिए नहीं रख रहे हैं, 0 है इसमें आपकी ओवर बाइट जो है 0 है, वर्टिकल ओवरलैप 0 है, कोई भी नहीं है, 0 मिलीमीटर, ठीक है। इसमें बैलेंसिंग लाने के लिए आप क्या करते हैं, या तो ऑक्लूजल प्लेन बढ़ा देते हैं, कंपनसेटिंग कर्व बढ़ा देते हैं, या फिर आप पीछे में क्या करते हैं, पैलेटल रैम्स बना देते हैं। देखिए यहां पे आप क्या कर देते हैं, डेंचर बेस में रेजिन से ऊपर उठा देते हैं। दांतों में आप कॉन्टैक्ट नहीं दे सकते हैं 3 पॉइंट, तो दांत के पीछे आप क्या रेजिन में ऊपर उठा देते हैं, थोड़ा सा एक प्रोमिनेंस लगा देते हैं, एक रैंप बना देते हैं, एक स्पीड ब्रेकर जैसा एक ब्रेकर बना देते हैं, जो कि जैसे ही इधर उधर होगा तो मैक्सिलरी पोस्टीरियर दांत लास्ट मोलर इस रैंप से टच करेगा, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया, बैलेंसिंग हो गया। मैं आपको दिखा देती हूं एक बार, ये प्रोट्रूजन के टाइम पे ये आपने क्या किया है, एक रैंप बना दिया। अब इससे आपके मैक्सिलरी दांत जाके स्टॉप देंगे, तो यहां पे जब लैटरल मूवमेंट करेंगे या प्रोट्रूजन करेंगे तो क्या होगा, तो यहां पे एक स्टॉप मिल जाएगा, तो 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट तो बन गया आपका, एक इस साइड एक दूसरी साइड पे, तो इससे आपकी बैलेंसिंग हो गया। तो बैलेंसिंग कैसे कर सकते हैं, या तो आप ऑक्लूजल प्लेन को हाई कर दें, या कंपनसेटिंग कर्व बढ़ा दें, या फिर आप बैलेंसिंग रैंप दे दें, ठीक है। इससे आप मोनोप्लेन ऑक्लूजन में भी बैलेंसिंग कर सकते हैं। मोनोप्लेन ऑक्लूजन विद बैलेंसिंग रैंप को न्यूट्रो सेंट्रिक कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। ये आप किस केस में देते हैं, मोनोप्लेन ऑक्लूजन बहुत ही अनएस्थेटिक है, दिखने में अच्छा नहीं लगता है, सारे दांत घिसे हुए लगते हैं, लेकिन जिन पेशेंट को मसल इनकोऑर्डिनेशन है, जिन पेशेंट का पुअर मसल इनकोऑर्डिनेशन है, जिनको स्केलेटल मॉल ऑक्लूजन है, और जिनकी सीवियर रेजिडुअल रिज रिजॉर्प्शन है, उस केस में बैलेंसिंग तो छोड़ो, पेशेंट ठीक से डेंचर सीट हो जाए वो भी बहुत है, तो इन सब केसेस में हम लोग मोनोप्लेन ऑक्लूजन देते हैं। मोनोप्लेन ऑक्लूजन की चूइंग एफिशिएंसी बहुत कम है, क्योंकि उतने शार्प कस नहीं है। एक तो होगा आपके पास एक सीजर होगी जिसकी शार्प टिप्स होंगी, जो अच्छे से काटेगी खाने को अच्छे से, जैसे कि अगर कस्पल वाले दांत होंगे वो अच्छे से कट करेंगे आपके फूड को, लेकिन इसमें क्या है, फ्लैट है, कटिंग उतनी अच्छी नहीं होगी, चूइंग एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन ये कुछ केसेस में लाइफ सेवर होता है। लिंगुलाइज्ड ऑक्लूजन की बात अगर आप करते हो, थर्ड कॉन्सेप्ट जो आपका, उसमें मैक्सिला में तो आपने एनाटॉमिक दांत दे दिए हैं, कस्पल दांत दे दिए हैं, और मैंडिबल में इसमें मैक्सिला में आपने कस्पल दांत दे दिए हैं, यानी एनाटॉमिक है,
और मैंडिबल में आपने क्या किया है, नॉन एनाटॉमिक दांत दे दिए। अब देखिए एस्थेटिक की मैक्सिला में रिक्वायरमेंट है, जब स्माइल करते हैं तो मैक्सिला के दांत सामने दिखाई देते हैं, तो इसीलिए ये लिंगुलाइज्ड ऑक्लूजन आई जिसने मोनोप्लेन ऑक्लूजन के अनएस्थेटिक बिहेवियर को, पुअर अपियरेंस को ओवरकम कर दिया। तो मैंडिबल में आपने नॉन एनाटॉमिक दांत दे दिए जहां पे आपको स्टेबिलिटी चाहिए, ये वैसे तो पाउंड ने दिया था कॉन्सेप्ट जो था। अब देखिए इसमें क्या है, आप क्यों इसको लिंगुलाइज्ड बोलते हैं, नाम में ही है। इसमें मैक्सिलरी जो दांत हैं आपके, ये मान लीजिए मैक्सिलरी दांत है, ये कस्पल है, लोअर क्या है फ्लैट है, नॉन एनाटॉमिक है, तो ये आपके क्या है फोसा के अंदर जाके घुसते हैं सेंट्रिक रिलेशन में, ये फ्लैट है, ऐसा ऑक्लूजन आता है, इसीलिए इसको लिंगुलाइज्ड बोलते हैं, क्योंकि लिंगुअल कस्प जो है मैक्सिला के वो मैंडिबल के फोसा के अंदर सेंट्रिक रिलेशन में बैठ रहे हैं, सीट कर रहे हैं। ये हो गया आपका लिंगुलाइज्ड ऑक्लूजन। इसके लिए इसमें कौन से एक करंट कॉन्सेप्ट आया था, मेयरसन लिंगुलाइज्ड इंटीग्रेशन। इसने क्या है, कैसे इसमें टीथ सेटिंग करते हैं, मोल्ड्स बनाए हुए हैं, ठीक है। ये किस केस में देते हैं, एक तो अपर में आपको प्री मोलर तक में अच्छा अपियरेंस आता है, और इसकी चूइंग बेटर है मोनोप्लेन में, इसमें एक साइड जो है, एक एज जो है वो शार्प है, तो इससे चूइंग मोनोप्लेन के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत चैलेंजिंग है इसमें टीथ सेटिंग करना, और बहुत जगह तो मिलते भी नहीं है ये दांत, और मसल इनकोऑर्डिनेशन जिन केसेस में पुअर है, सिवियर रेजिडुअल रिज रिजॉर्प्शन है, या फिर माल ऑक्लूजन है, इन सब केसेस में आप लिंगुलाइज्ड नहीं यूज कर सकते, इन सब केसेस में आपको मोनोप्लेन ही यूज करना है। मोनोप्लेन विद पैलेटल रैंप जो है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर सिवियर रेजिडुअल रिज रिजॉर्प्शन का केस आता है जिसमें आप पीछे पैलेटल रैंप देके न्यूट्रोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट में दांत अरेंज कर सकते हैं। तो इसके साथ आपका खत्म होता है ऑक्लूजन इन कंप्लीट डेंचर्स। तीन तरीके के स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हैं, स्कूल ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, बैलेंस्ड ऑक्लूजन, मोनोप्लेन ऑक्लूजन और लिंगुलाइज्ड ऑक्लूजन। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और आप नॉलेज शेयर करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और देखते रहिए डेंटल पाचर।